डियर स्टूडेंट्स, जेपीएस ऑनलाइन क्लासेज में राजेश सेन पीजीटी इंग्लिश एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा टॉपिक चल रहा है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच को लेकर के इससे पूर्व वीडियोज़ में हमने कुछ बातें की थी। उसमें विशेष रूप से मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस बताया, टेंस संबंधी जो चार्ट है उसके संबंध में हमने चर्चा की, किस प्रकार से टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हमने देखा कि हमारे सेड अथवा सेड टू का जो परिवर्तन है वो सेंटेंस में किया जाता है। आज हम विशेष रूप से उन चार नियमों की बात करेंगे जो सामान्य इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में हमें करने होते हैं। बोर्ड एग्जाम्स के दृष्टिकोण से क्लास टेंथ में सिंपल सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस अक्सर पूछे जाते हैं। सिंपल सेंटेंस में हमें कौन कौन से रूल्स को ध्यान में रखना होता है, इंटरोगेटिव में हमें क्या करना होता है और इम्पेरेटिव को हम किस प्रकार से चेंज करने वाले होते हैं, ये सारी बातें आज हमें पढ़ने के लिए, देखने के लिए मिलने वाली हैं। इसके अतिरिक्त हमारे एक टाइप के जो सेंटेंस, जिनको मैंने ऑप्टेटिव बताया और एक एक्सक्लेमेटरी बताया, उनको लेकर के हम नेक्स्ट वीडियोज में बातचीत करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से हमारे सामान्य जो सेंटेंस होते हैं, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, उनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है। सिंपल सेंटेंस की बात जब मैं करूं तो आप सबसे पहले ध्यान देंगे कि सिंपल सेंटेंस की स्थिति होनी कहां पर है, जिसको हम आरएस कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखा जाने वाला जो मैटर होता है उसके मध्य होनी है। जब हमारे आरएस का सेंटेंस सिंपल है तो हमें मुख्य रूप से कौन कौन से परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं, कौन कौन से चेंजेस हमें करने होते हैं, उन चेंजेस की बात हम सबसे पहले यहाँ करेंगे। चेंजेस की बात करें तो सर्वप्रथम हमारे पास आता है सेड और सेकंड वन आता है सेड टू। सेड टू के बाद निश्चित रूप से ऑब्जेक्ट रहता है और सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहता, इसलिए सेड का तो सेड ही रह जाता है, परंतु सेड टू होने पर उसे किस में चेंज किया जाता है, टोल्ड में। क्लियर? जरूरी नहीं हमेशा सेड ही आए, कई बार हमें से या से टू या सेज अथवा सेज टू लिखा हुआ मिलता है। ऐसी स्थितियों में अक्सर हमें से और सेज के लिए तो सेम प्रकार से लिखना होता है, से या सेज, बट सेज टू और से टू के लिए हमें अक्सर टेल और टेल्स का यूज करना होता है। फर्स्ट आपका जो चेंज है वो इस प्रकार से रहेगा कि अकेला सेड होने पर सेड करना है, सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट होने पर उसके स्थान पर टोल्ड करना, अकेला से या सेज रहने पर उसी प्रकार से या सेज रह जाएंगे, पर से टू या सेज टू होने पर टेल और टेल्स किए जाएंगे। सेकंड परिवर्तन, इन सेंटेंस में हमें एक कंजक्शन का यूज करना होता है और जो कंजक्शन हम लगा के आते हैं वो कंजक्शन हमारा क्या होगा, दैट होगा। तो सिंपल सेंटेंसेज में जोड़ने वाले शब्द के रूप में जो कंजक्शन हमें लगाना होता है वो क्या होता है, दैट होता है। थर्ड, प्रोनाउन चेंज को लेकर के हम बातचीत करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच का सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई मैटर है तो वो आपका प्रोनाउन चेंज है, प्रोनाउन में परिवर्तन करना है, जिसको आप हिंदी में सर्वनाम संबंधी परिवर्तन कहते हो। इनडायरेक्ट स्पीच का सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है वो प्रोनाउन चेंज है, सर्वनाम संबंधी परिवर्तन है। और इस सर्वनाम संबंधी परिवर्तन को पढ़ाने के लिए अक्सर हम सभी टीचर्स एक फॉर्मूला पढ़ाते हैं, फॉर्मूला है S1/123, जिसको अक्सर सन/123 बोला जाता है।
क्या है ये एस यू एन बटा 123, समझें देखें। एस का मतलब है सब्जेक्ट से, एस का मतलब किससे, सब्जेक्ट से। ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट से, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट। और एन का मतलब है नो चेंज। पहले तो हमें मोटी मोटी ये तीन बातें ध्यान में रहनी चाहिए, एस ओ एन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। इनके नीचे तीन वर्ड लिखे हुए हैं, उसमें एक दो तीन। वन का मतलब है फर्स्ट पर्सन, वन का मतलब है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन में किसको पढ़ा जाता है विशेष रूप से, आई और वी को। दो का मतलब है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में हम किसको पढ़ते हैं इंग्लिश में, यू को। थर्ड का मतलब है तीन से, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में हम बात करते हैं किसकी, ही सी इट, और इन तीनों का प्लूरल फॉर्म होता है दे। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन, नो चेंज थर्ड पर्सन। ध्यान दें, जब आपके आर एस में रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन या उसके किसी भी फॉर्म को यूज किया जाता है, तो उस फर्स्ट पर्सन और उसके फॉर्म्स को आप किसके अकॉर्डिंग चेंज करें, आर वी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करें। तो इधर जो लिखे हुए हैं एस ओ एन, उसमें आप ध्यान रखें कि ये चीज़ें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज, ये किसके संबंध में बात हो रही है, आर वी के संबंध में बात हो रही है, रिपोर्टिंग वर्ब के संबंध में बात हो रही है। और इधर जो मैटर लिखा हुआ है वो किसका है, आर एस का है, रिपोर्टेड स्पीच का है। रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को आर वी के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करें, रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन को आर वी के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करें, और अगर आर एस में थर्ड पर्सन आता है तो उसको चेंज करने की आवश्यकता है नहीं, इसलिए मैंने लिखा है नो चेंज। ये तो आपका जो फॉर्मूला मैंने बोर्ड पर लिखा है एस एन बटा 123, उसकी डेफिनेशन हो गई, उसको क्लियर किया गया है यहाँ पर। तो फॉर्मूला आपका इस तरीके से है। इस फॉर्मूले के साथ सेकंड हमें जो चीज याद रहनी चाहिए वो रहनी चाहिए हमारा प्रोनाउन चार्ट, क्योंकि ये जो चेंजेस होते हैं वो अक्सर किसके अनुसार होते हैं, प्रोनाउन चार्ट के अनुसार होते हैं। इस प्रोनाउन चार्ट में हम क्या क्या पढ़ते हैं उनकी चर्चा अपन और कर लेते हैं। अक्सर मेरे कई साथी आपको ऐसे बताते होंगे, सब्जेक्ट पजेसिव ऑब्जेक्ट, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं सब्जेक्टिव रूप, आई वी यू ही सी इट और दे, आई वी यू ही सी इट और दे। इनके जो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, इनके जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो अक्सर इस प्रकार से पढ़े जाते हैं, मी अस यू हिम हर इट और देम। क्लियर। थर्ड आते हैं इनके पजेसिव रूप। पजेसिव में हमारे सामने दो बातें आती हैं, एक पढ़ा जाता है माई और एक पजेसिव में ही पढ़ा जाता है माइन। एक पढ़ा जाता है आवर और एक पढ़ा जाता है आवर्स। एक आप पढ़ते हो योवर
और पजेसिव के सेकेंड एक रूप में पढ़ते हो योवर्स। हिम के सॉरी ही के, हिज हिज, सी के हर हर्स, इसके इट्स इट्स, और दे के देयर और देयर्स। ये दो रूप आपको देखने के लिए अक्सर मिल जाते हैं। ध्यान रखें पजेसिव केस में लिखे जाने वाले माई आवर योवर हिज हर इट्स और देयर एक्चुअल में प्रोनाउन नहीं होते। एक्चुअल में किसके रूप होते हैं? एडजेक्टिव के रूप होते हैं, विशेषण के रूप होते हैं। लास्ट का जो नाम है उसमें इंग्लिश में पढ़ा जाता है रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव में हमारे सामने जो एक लिस्ट आती है उसमें माई सेल्फ, ओवर सेल्वेज, योवर सेल्फ भी चलता है, और इसका प्लूरल केसेज योवर सेल्वेज भी होता है। इसके बाद आपका ही है, उसका रिफ्लेक्सिव केस हिमसेल्फ है। सी का रिफ्लेक्सिव केस हरसेल्फ होता है। इट का रिफ्लेक्सिव केस इटसेल्फ होता है, और दे का रिफ्लेक्सिव केस देमसेल्वेज होता है। इस चार्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास देमसेल्वेज, आवर सेल्वेज और योवर सेल्वेज, ये थ्री फॉर्म्स ऐसी हैं जो प्लूरल को शो करने वाली होती है, बाकी सभी सिंगुलर को शो करती हैं। आई का ऑब्जेक्टिव केस सॉरी आई का प्लूरल केस वी है। यू का प्लूरल भी यू ही होता है, और इसके लास्ट रिफ्लेक्सिव रूप में चेंज होता है, बाकी सारे समान होते हैं, इसलिए मैंने यहां लिखे नहीं। ही का रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ है, सी का रिफ्लेक्सिव हरसेल्फ है, इट का रिफ्लेक्सिव इटसेल्फ है, और दे का रिफ्लेक्सिव देमसेल्वेज। इस पूरे प्रोनाउन चार्ट को अगर हम ढंग से याद कर लेते हैं तो फिर हमारा जो सेकंड चेंज है प्रोनाउन चेंज वाली बात, उसको आप इजी वे में समझ पाते हैं, बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। फोर्थ मैंने आपको लिखवाया था जो चेंजेज है वो किसको लेकर के है। फोर्थ वाला चेंजेज है वो टेंसेज को लेकर के है, और टेंस चेंज के लिए इससे पूर्व वीडियो में आपको मैंने लिखवा दिया था कि टेंस को किस प्रकार से बदलना होता है। और लास्ट वन होता है वो होता है टाइम एंड प्लेस वर्ड चेंजेस, टाइम एंड प्लेस वर्ड चेंजेस। किस प्रकार से किसी सेंटेंस में टाइम और प्लेस वर्ड्स को चेंज किया जाता है, ये टाइम और प्लेस वर्ड चेंजेज की जो बात है वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में करने वाला हूँ। एक बार फिर बता रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। जब हमारे आरएस का सेंटेंस सिंपल होता है तो उसके सेड का सेड रखा जाता है, सेड टू के साथ ऑब्जेक्ट होने पर उसका टोल्ड किया जाता है। से या सेज होने पर उनको से या सेज ही रखते हैं, परंतु से टू या सेज टू होने पर उनको अक्सर टेल और टेल्स में चेंज किया जाता है। इन सेंटेंस के इन्वर्टेड कोमाज को हटाने के लिए जिस कंजक्शन का यूज हम करते हैं वो कंजक्शन दैट है। प्रोनाउन चेंज की बात करें तो एस ओ एन बटा 123 प्लस ये प्रोनाउन चार्ट है, इन दोनों की हेल्प से हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं। टेंस चार्ट के संबंध में मैंने आपको पहले बता दिया है, उस टेंस चार्ट के अनुसार आप टेंस को चेंज कर सकते हैं। लास्ट वन है टाइम और प्लेस वर्ड चेंजेस वाली बात, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में आपसे करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।